आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत आरटीआई मैदान नवीन स्टेडियम गाजीपुर में आयोजित किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर समस्त अधिकारीगण ने उपस्थित होकर नवविवाहित वरवधुओं को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखमय भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जितने जोड़े आज विवाह के बंधन में बंध रहे हैं, वह एक दूसरे का सम्मान करते कुल 154 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। विवाह कार्यक्रम में 2 मुस्लिम जोड़े, हिंदू जोड़े, 152 कुल 154 जोड़े शामिल हुए। सभी जोड़ों की कन्याओं ने अपने अपने वर को वरमालाएं पहनाई एवं हिंदू कन्याओं का विवाह धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार रस्में अदा कर संपन्न कराया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत आज आरटीआई मैदान नवीन स्टेडियम में जनपद के सभी विकास खंडों नगर पालिका क्षेत्रों से आए 154 जोड़ों की शादियां कराई गई। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने उपस्थित लोगों का अभिनंदन करते हुए नवविवाहित वरवधुओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि कन्या का विवाह कराने से बढ़कर अन्य कोई कार्य नहीं है। कहा कि आज जो जोड़े वैवाहिक जीवन में बंधकर सात फेरे लेकर एक दूसरे के लिए शपथ लिए हैं, वह हमेशा एक दूसरे का सम्मान करें। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सभी नवविवाहित जोड़ों को बधाई देते हुए उनके सुखमय जीवन की कामना की और निरंतर की ओर हमेशा बढ़ते रहें और एक दूसरे का साथ दुख सुख में मिलकर साथ चले। आज जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 177 जोड़ों की शादी का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जिसमें 139 जोड़ों ने भाग लिया। कुछ एक लोगों के परिवार वालों की उपस्थिति नहीं हो पाई थी, इस कारण से सब जोड़े उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन 139 जोड़ों ने भाग लिया और सामूहिक विवाह कार्यक्रम माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। और लाभार्थियों को जो निर्धारित धनराशि दी जानी चाहिए 35,000 रुपये उनके सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करा दी गई अध्यक्ष जिला पंचायत के द्वारा, और 10,000 रुपये का जो सामान नवविवाहिता जोड़ों के लिए दिया जाता है प्राविधान शासन निर्देश के द्वारा, वो सामान भी सबको उपलब्ध कराया गया और सबको शुभकामनाएं दी गई और सबका सम्मान और सबको लंच कराने के बाद विनम्रतापूर्वक सबको मिलाई। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।